नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। इंदौर पुलिस ने हाईटेक सेक्स रैकेट को पकड़ा है। इसके बकायदा वेबसाइट बनाकर चलाया जा रहा था। पुलिस ने मंगलवार को स्कीम 114 से गुरुग्राम और रायसेन की दो युवतियों समेत 7 लोगों को पकड़ा है। शहर के कुछ कारोबारी और बिल्डर भी इस रैकेट से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, आरोपियों ने वेब डेवलपर्स की मदद से अपनी स्कॉट सर्विस की वेबसाइट तैयार की है। वेबसाइट इतनी हाईटेक है कि इसे ओपन करते ही कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप के जरिए कस्टमर सीधे कनेक्ट हो जाते थे। इस पर तत्काल सरगना कस्टमर को अपने पास उपलब्ध स्कॉट सर्विस की युवतियों के फोटो भेज देते। डील तय होने पर युवतियों को उन तक पहुंचा देते थे। युवतियां दलाल नीरज के जरिए होटल या फिर कस्टमर के फ्लैट तक जाती थी। आपको बता दें, सेक्स रैकेट के सरगना ने वेबसाइट का फेसबुक पेज भी बना रखा था। इस पर भी मैसेज के जरिए ही डील होती थी। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। रैकेट में पकड़ी गई लड़कियां कभी दिल्ली में जॉब किया करती थीं। ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो इस पेशे में उतर आई। वहीं एसपी आशुतोष बांगरी ने बताया कि दलाल नीरज वेबसाइट के जरिए कस्टमर खोजता था। इसके बाद डील पक्की होने पर युवती को कहां पहुंचाना है, किस गाड़ी से वह पहुंचेगी और गाड़ी के नंबर से लेकर सभी वही फाइनल किया करता था। उसने इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में स्कीम नंबर 114 में 8 महीने पहले फ्लैट किराए पर लिया था और यहीं से रैकेट चल रहा था। पूछताछ के दौरान पकड़ी गई युवतियों ने बताया कि वो पहले दिल्ली में जॉब किया करती थी। उन्हें लगा कि कंपनी के अधिकारी भी उनसे नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली में रहने के दौरान कई बार लोगों ने शारीरिक शोषण करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने इस काम को पैसा कमाने का जरिया बना लिया। प्रोफेशनल होकर इस धंधे में उतर आई। वेबसाइट पर अपने फोटो डाले और यहीं से दलालों से संपर्क हुआ। आपको बता दें, वेबसाइट पर फिक्स होती थी मीटिंग। वेबसाइट पर सर्च करते ही युवती से ऑनलाइन मीटिंग तय होती थी। जगह का चयन किया जाता था। इसके बाद कस्टमर की बताई हुई जगह पर युवती को भेज दिया जाता था, जिस वजह से पुलिस को भी कस्टमर और गैंग में शामिल युवती को गिरफ्तार करना चुनौती बना हुआ था। गिरफ्तार युवक उज्जैन, राजस्थान और इंदौर के रहने वाले हैं। 4 साल पहले साइबर सेल ने स्कॉट सर्विस देने वाली 3 वेबसाइट के दलालों को पकड़ा था। इनसे चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। पूछताछ में पता चला है कि ऐसी स्कॉट सर्विस ऑफर करने वाली 400 से ज़्यादा वेबसाइट हैं। इसमें इंदौर से जुड़ी 20 से 30 साल की युवतियों के फोटोज़ का इस्तेमाल कर 25,000 से ज़्यादा का डेटाबेस फीड तैयार किया गया है। वहीं साइबर सेल का दावा है कि इंदौर की करीब सभी नामी होटल्स में इन दिनों इस तरह की वेबसाइट से युवतियां दूसरे शहरों में फ्लाइट से आ रही हैं। यहां की युवतियों को ऐसे ही दूसरे शहरों में भेजा जा रहा है। साइबर सेल ने इससे पहले भी ऐसी 3 वेबसाइट से जुड़े 2 दलाल व वेबसाइट के डिज़ाइनर को गिरफ्तार किया था। वहीं साइबर सेल ने पकड़ी गई 3 वेबसाइट को पोर्टल से हटवा दिया था। इस संबंध में सेल ने वेबसाइट को होस्ट करने वाली कंपनियों को ईमेल भेजा था। तीनों वेबसाइट का एड भी जिन वेबसाइट पर किया गया था उन्हें भी हटाया गया है। इन वेबसाइट पर जिन युवतियों के नंबर जारी किए गए थे उनमें से कुछ तो संभ्रांत घरों की निकली थी। वहीं किसी ने महंगे शौक पूरे करने के लिए तो किसी ने दोस्त के कहने पर यह काम किया था। ये सूचना थी कि ऑनलाइन जो है एक मोबाइल पे वेबसाइट बनाई हुई है स्कॉट सर्विसेज के नाम से, और उसमें नंबर है, नंबर के आधार पे जो है ये अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करते हैं और इसके बाद एक जो है पूरा एक कार्टेल इनका चलता है।
तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।